मेरे जो यहाँ पे फफोले पड़े हैं ना, ये खुशबू बहुत ही ज्यादा अच्छी है, लाजवाब है। ये हाथ जोड़ रही हूँ मैं आज कैमरे पे। हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन प्लीज टेक अ मोमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट मिस टू प्रेस द नोटिफिकेशन बेल। ओके गाइस, सो हमारा जो आज का वीडियो होने वाला है इज अबाउट अ प्रोडक्ट रिव्यू। सो आज मैं जिस प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाली हूँ इज दिस, एंड दिस इज अ गुड वाइब्स का रोज हिप सीरम। मैंने इससे पहले भी गुड वाइब्स का एक सीरम ट्राई किया था एंड That experience wasn't good. Like मुझे मेरा बहुत ही बुरा experience था। So let's see कि इसके साथ मेरा experience कैसा है। So please video को end तक जरूर देखना and अगर आपको video अच्छी लगी then please subscribe to my channel. So this serum comes with this cardboard packaging and इसकी packaging कुछ ऐसी लगती है and इसमें आपको सब कुछ written में मिल जाएगा, like ये कितने का है and कितनी इसकी shelf life है। So इसमें आपको 3 years की shelf life मिलेगी and इसका price है 240 rupees, जो कि पर्पल पे यू नो काफ़ी डिस्काउंट रहता है, तो आपको ये 150 तक ईजिली मिल जाएगा। ऑल्सो इसमें लिखा हुआ है कि आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हो एंड इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज हुए हैं, मेड इन इंडिया। सो सारी डिटेल आपको कार्डबोर्ड पैकेजिंग पे मिल जाएगी। सो आप इसको बिल्कुल मत फेंकना बिफोर रीडिंग ऑल दीज थिंग्स। ओके, सो इसके इंग्रेडिएंट की बात करी जाए तो इसमें आपको आलमंड ऑयल, रोजिप ऑयल, वाइट क्वींस ई, जोजोबा ऑयल, सीसम ऑयल और भी सारे बहुत ही खतरनाक इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड हुए हैं, जो कि मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी, आप चेकआउट कर लेना। एंड ऑल्सो आपको इसको कैसे यूज़ करना है, अप्लाई 2-3 drops ऑफ द फेस सीरम ऑल ओवर अ क्लेंज्ड फेस, जेंटली मसाज ऑन टू योर स्किन विथ योर फिंगर टिप्स अंटिल इट्स फुल्ली एब्जॉर्ब्ड। सो आपको जस्ट इसकी 2-3 drops लेनी है एंड अपने फेस के ऊपर मसाज करना है। एंड ऑल्सो यू कैन डू लाइक टैप टैप टैप, मसाज मैं प्रीफर नहीं करती, यू हैव टू डू जस्ट टैप 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 एंड ये इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगा। एंड जब तक ये एब्जॉर्ब नहीं होता है तब तक आपको ये स्टेप फॉलो करना है। एंड ऑल्सो इसमें लिखा हुआ है कि नेचुरल इन्ग्रीडियंट्स में इरिटेट स्किन फॉर सम पीपल, डू अ पैच टेस्ट बिफोर फर्स्ट यूज, इन्ग्रीडियंट्स मे चेंज कलर विद टाइम बट डज नॉट अफेक्ट प्रोडक्ट एफिशिएंसी, कीप आउट रीच आउट ऑफ चिल्ड्रेन, अवॉइड कॉन्टैक्ट विथ आईज। सो बेसिकली इसमें यही लिखा हुआ है कि कोई भी प्रोडक्ट को आप अपने फेस में लगाने से पहले ऑलवेज डू अ पैच टेस्ट। सो आप अपने नेक के पास कर सकते हो या अपने हैंड्स में कर सकते हो पहले पैच टेस्ट एंड उसके बाद ही आप प्रोडक्ट को यूज़ करना, ये इसमें लिखा हुआ है। सो अब देखते हैं कि अंदर से प्रोडक्ट कैसा लगता है। ओह गॉड, तो आप देख सकते हो इसकी पैकेजिंग बहुत ही बुरी आई थी। मैं ये जस्ट आपको दिखाना चाहती थी, यू नो मैं पहले बता भी सकती थी कि इसकी पैकेजिंग गंदी है, बट नो आई जस्ट वांटेड टू शो यू दिस। तो आप देख सकते हो इसकी पैकेजिंग बहुत ही ज़्यादा गंदी है, पूरा प्रोडक्ट पूरा लीक हो चुका है, पूरा का पूरा ये आप देख सकते हो। आई एम नॉट श्योर कैमरे में कितना विजिबल है, पर ये पूरा ही प्रोडक्ट ना यहाँ पे लगा हुआ है, सी सारा का सारा मेरे हाथ में लग गया। सो दिस इज द एप्लीकेटर, आपको इसको ओपन करना होता है एंड यहाँ से आपका सीरम आप इसको ऐसे यूज़ कर सकते हो एंड ये अच्छे से वर्क भी नहीं कर रहा है। आई एम रियली डिसअपॉइंट विद द पैकेजिंग। लेट्स टॉक अबाउट कि इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। सो मैं थोड़ा सा अपने हैंड्स पे 2-3 drops दिखाती हूँ आपको। आप देख सकते हो मैंने इसको जस्ट प्रेस भी नहीं किया, ये अपने आप ही इतना ज़्यादा निकल रहा है। वेरी बैड पैकेजिंग एंड इसकी कंसिस्टेंसी ना काफ़ी थिक है। सी ऐसा लगेगा आपको कि आपने कोई ऑयल लगा लिया है अपने फेस पे। तो इसकी कंसिस्टेंसी ना बहुत ही ज़्यादा थिक है, ये बहुत ही ज़्यादा शाइन भी कर रहा है अजीब सा, बिल्कुल ही ऑयल की तरह। सो ये सीरम कम एंड फेशियल ऑयल ज़्यादा लग रहा है मुझे। हाँ ये अच्छे से स्प्रेड हो जाता है स्किन में एंड इट इज़ सो ब्लेंडेबल, लाइक आप देख सकते हो ईजिली एब्जॉर्ब हो गया। पर अभी भी ऐसा आप देखोगे ना मेरे हाथ को तो ऐसा पता चल रहा है कि हाँ मैंने इसमें कुछ लगाया हुआ है। तो इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी ज़्यादा थिक है बट इसकी खुशबू बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, लाजवाब है। अभी मुझे ऐसा फील हो रहा है कि हाँ मैंने कुछ ऑयल्स अप्लाई किया हुआ है, लाइक आप देख सकते हो डिफरेंस, दिस हैंड लुक सो ऑयली ऑयली एंड ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं लग रहा है क्योंकि मैंने इसमें अप्लाई नहीं किया है। सो ये तो बात हो गई इसकी पैकेजिंग की, इंग्रेडिएंट की एंड ऑल दैट। अब नाउ लेट्स टॉक अबाउट माय एक्सपीरियंस। सो अगेन आई हैव टू से दैट आई एम
हैविंग अ रियली बैड एक्सपीरियंस विद दिस ऑल्सो, क्योंकि बिल्कुल भी जैसा कि इसमें क्लेम किया गया है ना कि इसमें रोजहिप सीरम है एंड ये सारी चीज़ें हैं तो ये स्किन को बेटर करेगी, वैसा इसने कुछ भी नहीं करा। बस इसकी खुशबू ही अच्छी है, अदरवाइज प्रोडक्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। एंड मैंने इसको यूज़ किया फॉर 7 डेज एंड मेरे ना थोड़े थोड़े से यहाँ पे पिंपल आना स्टार्ट हो गए। देन स्टार्टिंग में मैंने अवॉइड किया बिकॉज ऑब्वियसली जब आप किसी नए प्रोडक्ट को अडाप्ट करते हो एंड आप अप्लाई करते हो आपकी स्किन में तो अडाप्ट होने में ना थोड़ा सा टाइम लगता है स्किन को, तो मैंने सोचा कि हो सकता है स्टार्टिंग में ऐसे ही हो। फिर मैंने इसको कंटिन्यू किया फॉर 7 डेज एंड देन मेरे जो यहाँ पे फफोले पड़े हैं ना मतलब वेरी बैड। मैंने इसका विटामिन सी वाला यूज़ किया था, उसने भी मेरे फफोले पड़ा दिए और इसने भी पड़ा दिए। सो अब तो मैं गुड वाइब्स का तो कोई सीरम बिल्कुल भी नहीं लेने वाली हूँ, ये हाथ जोड़ रही हूँ मैं आज कैमरे पे। बट गाइस इसने ऐसा वर्क किया ऑन माई स्किन, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपकी स्किन में भी ये सेम चीज़ सेम तरीके से वर्क करे। मे बी ये आपको सूट कर सकता है, मे बी ये मेरी स्किन टाइप को सूट नहीं किया। सो बिफोर ट्राई करने से पहले ही प्रोडक्ट को रिजेक्ट मत करना, आप इसको डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो, काफ़ी अफोर्डेबल है और अगर आपकी स्किन में सूट कर गया तो गॉड ब्लेस यू, एंड अगर नहीं किया देन फेंक देना इसको, तुरंत ही फेंक देना। माई स्किन टाइप इज एक्सट्रीमली ऑयली एंड अगर मैं ऑयली स्किन पे ना ऐसा सीरम लगा लूँगी तो लिटरली पता ही नहीं चलेगा कि मैं तेल से मैंने कुछ अप्लाई किया या मैं तेल से नहा के आई हूँ। सो मेरे लिए तो बिग नो है, आई विल नेवर एवर गोना परचेज दिस बिकॉज इट डज नथिंग ऑन माई स्किन। सो मैंने जो भी कुछ इस वीडियो में बताया ये मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताया, मे बी ये प्रोडक्ट आपके लिए बेटर वर्क करे या और ज़्यादा वर्स्ट हो जाए वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने अपना ट्रू एक्सपीरियंस शेयर किया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही होगी। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ गिव अ बिग थम्स अप टू द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट मिस टू प्रेस द नोटिफिकेशन बेल। मैं आपसे मिलूंगी नए वीडियो के साथ। टिल दिस डे होप स्टे सेफ, स्प्रेड लव, बाय।